गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास टेंथ के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। दूसरे में 2 सवाल बाकी हैं, उसको आप हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है विलोपन के द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का सत्यापन भी कीजिए। तो विलोपन के द्वारा इन समीकरणों को हल करना है और जो परिणाम प्राप्त होता है यानी जो एक्स और वाई का मान आता है उससे हम इसका सत्यापन करेंगे कि वो मान सही है या नहीं सही है। हम शुरू कर रहे हैं तीसरे का पहला क्वेश्चन। तीन एक्स माइनस वाई प्लस 7/11 बराबर है 8। इसको हल कर लीजिए, इसको बटे एक करके 3 गुणा से 11 3 33 एक्स माइनस 1y माइनस प्लस का गुणा माइनस 1 7/11 बराबर हो गया 8। इधर भी बटे एक करके हल कर सकते हैं, इसका गुणा इधर होगा, इतने आएगा 33x माइनस वाई माइनस 7 और 11 8 88। 8 को उधर पचांतर कर दीजिए, 33x माइनस वाई 8 + 7 यानी हो गया आपका 33x माइनस वाई बराबर 15। समीकरण नंबर 3 ठीक। अब है 2y प्लस एक्स प्लस 11 2y प्लस एक्स प्लस 11/7 बराबर है 10। इसको हल करेंगे तो 7 × 2 हो गया 14y प्लस 1 का x में गुणा x + 1 का गुणा यहाँ प्लस इस नाते प्लस ही आएगा, प्लस है अगर माइनस है तो माइनस ही आएगा, 7/10। इसको बटे एक करके भिन्न बना लीजिए, इधर पूरा भिन्न है, 1 का गुणा इधर होगा इतने आएगा। x को पहले लिख रहे हैं x प्लस 1 का 14y में तो 14y और 1 का गुणा 11 में प्लस 11 बराबर 10/70। एक्स प्लस 14y बराबर 70 - 11 उधर गए, एक्स प्लस 14y बराबर 61। समीकरण नंबर 2 ध्यान दीजिए, पहला समीकरण x का गुणांक 33, यहाँ x का गुणांक 1, गुणांक नहीं बराबर है। दूसरे में यहाँ y का गुणांक -1, यहाँ पे y का गुणांक 14 है। तो हम क्या करें, कोई भी कर सकते हैं, 1 को हम 33 बना सकते हैं, यहाँ पे -1 को 14 बना सकते हैं, तो हम 14 ही बना लें, चिन्ह विपरीत भी है। तो y के गुणांक से हम इस पहले वाले समीकरण में गुणा कर दें, ये भी 14 का गुणा कर दें तो ये भी 14 हो जाए। तो 14 में 33 का गुणा 14 × 3 = 42 ये 2 14 × 3 = 42 और 4 = 46 462x और 14 का y में -14y 14 का 15 = 14 × 5 = 70 14 × 14 = 7 = 21 210। समीकरण नंबर 3 यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 1 × 14 यानी समीकरण 1 में 14 का गुणा करें। अभी ये दोनों देखिए, दोनों के गुणांक बराबर हो गए, यहाँ पे चिन्ह विपरीत चाहिए, चिन्ह विपरीत भी है, जोड़ने पर बदलना नहीं पड़ेगा। क्यों समझ में आइए भाई, 14 का अगर हम गुणा कर देंगे ये 14 हो जाएगा, आसान सी बात है। 462x में 1x जुड़ गया, 463x 14y से 14y कैंसिल, 210 में 61 जुड़ गया 269, x बराबर 269/463। यक्ष का मान इतना आ रहा है और चाहे तो आगे हल भी कर सकते हैं।
यहाँ पे गलत हो रहा है, 11 8 हो गया आएगा 88, 88 7 यहाँ होगा 95। अब 14 का गुणा होगा जब इसमें, तो 14 का गुणा 95 में होगा, 95 गुणे 14, 4 5 20, 4 9 36, 2 38, 1 5 5 1 9 9, 0 8 5 13 के 3 9 3 12 1 13 30 हो रहा है। यहाँ जो है वो होगा 1330, 59 होगा तो हो जाएगा 1389। अब 1389 में 463 से भाग दिया जाए तो 1389 भागा 463 नहीं किया रहा 3, इससे इसमें भाग दिया जाए तो आ रहा है 3, x बराबर आपका हो गया 3। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, क्यों इधर 11 8 88 लिखना चाहिए था, हमने केवल 8 लिख दिया था। x का मान निकल गया 3, अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाए, x का मान 2 में रखो, 2 छोटा है, 2 में रखने पर दो है हमारा x प्लस 14 वाई बराबर 61, ये हो गया 3 प्लस 14 वाई बराबर 61, 14 वाई बराबर 61 माइनस 3 यानी हो गया 14 वाई बराबर हो गया 56, वाई बराबर 56 बटे 14, 14 चौके 56 यानी वाई का मान 4। x का मान और y का मान निकल गया, अब कहा है इसका सत्यापन कीजिए। सत्यापन करने का मतलब जो मान आया है उसको हल करके दोनों समीकरण जो पहले दिया है या जो बना है, ये पहला बना ये दूसरा बना, या तो यहाँ हल करके मान रखिए x और y की जगह पे, या जो पहले पहले दिया है आपका उसी में रख के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए तो आपका मान सही है। हम चलते हैं कर रहे हैं परिणाम का सत्यापन। किसी भी एक समीकरण से ही सत्यापन कर लिया जाए, यहाँ पे वाई का मान 4 है, लिखेंगे परिणाम का सत्यापन। तो आपका जो समीकरण दिया है पहले वही निकाल लीजिए, किसी भी एक समीकरण को, 3x माइनस वाई प्लस 7 बटे 11 बराबर है 8, ठीक है, यही है। यह जो बना था आपका समीकरण एक हमने बनाया था, समीकरण दो बनाया था, उसी में से किसी में रख के चेक कर लीजिए तो वो आसान होगा। तो या तो यही रखिए, 3 गुणे एक्स का मान आया है 3, माइनस वाई का मान आया कितना 4 प्लस 7 बटे 11 बराबर 8, 3 त्रिका 9 माइनस 4 और ये 7 हो गया 11 बटे 11, 11 से 11 भाग देंगे ये कट, यानी 9 माइनस यहाँ 11 करने में 11 1 बराबर 8, 8 बराबर 8 लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड
आता है? उत्तर सही है, आपका उत्तर सही है। दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, हमने क्या कहा आपसे पहले, दोनों पक्ष अगर बराबर है जो मान आया रख दीजिए, तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, तो यही परिणाम का सत्यापन होता है, दोनों पक्ष बराबर है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो 11 × 99 माइनस 11 आएगा बटे 11 11 88, 99 में से जो है 11 घट गया तो बचा 88, इधर भी आएगा 88, तब भी सही, इस तरीके से भी सही। अब है आपका इसका दूसरा सवाल, तीसरे का दूसरा सवाल है, यक्स प्लस ए बटे दो, बीच में है प्लस वाई माइनस एक बटे तीन बराबर 8। तो इसको पहले हल करके सिंपल में कर लिया जाए, भिन्न में 3 × 3 = 3x + 3 × 3, बीच में प्लस है प्लस, 2 × y = 2y, 2 × 2 माइनस 2, 3 × 2 = 6 बराबर हो गया 8। ये 3x + 2y, ये 3 में से 2 घटा प्लस 1 / 6 बराबर 8। इसको भी इधर पूरा भिन्न, इधर भी बटे 1 करके भिन्न, 1 का गुणा इतने में होगा इतना आएगा, 3x + 2y + 1, 6 का गुणा इधर करके इधर 6 × 48, 3x + 2y = 48 - 1 उधर, 3x + 2y = 47, ये बना आपका समीकरण नंबर 1 सिंपल, ऐसे दिया था ऐसे हो गया। दूसरा है x − 1/3 प्लस y + 1/2 बराबर है 9। इसको भी हल कर लीजिए, हो जाएगा 2x - 2 × 2 प्लस 3y 3 × 3, नीचे गुणा नीचे, 3 × 6 बराबर इधर है 9। 2x + 3y यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस 3 है माइनस 2 है, 3 में से 2 घटेगा प्लस 1 बचेगा और बटे है 6 बराबर इधर है 9। इधर फिर देखिए ये पूरा एक भिन्न है, इधर भी बटे एक करके भिन्न, 1 का गुणा इधर 2x + 3y + 1 = 1 और 6 × 9 = 54। इसको लिख सकते हैं 2x + 3y = 54 - 1 53, समीकरण नंबर 2 ये बना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहला समीकरण और दूसरा विलोपन करना है तो x का गुणांक अगर देखें तो इसमें 3 है इसमें 2 है, इसमें y का गुणांक 2 है तो इसमें y का गुणांक 3 है, कोई नहीं बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अगर x का विलोपन करना है तो 3 को हम 2 नहीं बना सकते, 2 को 3 नहीं बना सकते, है ना। तो अगर y का करना है तो y 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते, यानी 2 नए समीकरण बनेंगे, क्यों मालूम है ना। अब अगर x का करना है तो पहले समीकरण में x के गुणांक से दूसरे समीकरण में गुणा करेंगे, और दूसरे समीकरण के x के गुणांक से पहले समीकरण में गुणा करेंगे, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6 दोनों बराबर है। x का विलोपन हम कर रहे हैं तो पहले इससे कर रहे हैं, 2 से इसमें 2 × 6x + 2 × 4y + 97 × 94 समीकरण नंबर 3 मन गए तो लिख लीजिए, समीकरण 1 × कितना, 1 में हमने किया 2 का गुणा, अब 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, 2 × 6x + 3 × 9y + 3 × 9 = 15, 161 समीकरण नंबर 4 समीकरण 2 × 3 गुणांक तो बराबर हो गए, x के चिन्ह विपरीत चाहिए, चिन्ह विपरीत नहीं बदलेंगे, प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस लिखा जाएगा घटाने पर, 6
6x से 6x कैंसिल, 9y माइनस 4y प्लस, विपरीत चिन्ह है, 9y में से 4y घटा माइनस 5y, क्यों ये संख्या बड़ी है, 159 माइनस 94 प्लस, 159 में से 94 घटाइए, 9 में से 4 घटा 5, 15 में से 9 घटा 6, ये संख्या बड़ी है, इसमें से माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 62/5 कितना आ गया 13, y का मान हमारे आ गया 13, y का मान निकल गया। अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकालेंगे, तो चलिए x का मान निकालते हैं, समीकरण एक में रख दे रहे हैं, लिख लीजिए y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक का हमारा 3x प्लस 2y बराबर था 47, तो हो गया 3x प्लस 2 गुणे y का मान 13 बराबर 47, 3x 13 गुणी 26 बराबर 47, 3x हमको y x का मान ज्ञात करना है, इसमें x नहीं है इसको अगर पहचान कर दीजिए, 47 माइनस 26, तो 3x बराबर 47 में से 26 घटा लीजिए बचा 21, x बराबर 21/3, 3 × 7 = 21, x बराबर 7, हमारा x का मान 7 और y का मान है हमारा 13, तो ये है इस तरीके से ये सवाल हल होगा। तो इसमें भी परिणाम का सत्यापन करना है तो उसी तरीके से आप सत्यापन कर लेंगे। अब है अगला क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में रैखिक समीकरण युग्म बनाकर विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, तो समीकरण इसमें भी बनाना, विलोपन विधि से हल करना। करा एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज सबसे पहले आपको जानना होगा चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, चतुर्भुज है तो चार शीर्ष होंगे, मान लीजिए यही चतुर्भुज, तो एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार शीर्ष, कितने शीर्ष होंगे, चार शीर्ष, तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित, कहाँ स्थित हो, वृत्त की परिधि पर, चाहे इस तरीके से स्थित होने चाहिए चारों शीर्ष, अगर ये चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वृत्त की परिधि, यही तो है वृत्त की परिधि, जिसके ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हों उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। मान लिया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये होते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिया है और कहा कोण ए जो है 6x प्लस 10 अंश, ये हो गया आपका मान लिया 6x प्लस 10 अंश, ये पहला। बी दिया है 5x, सी दिया है x प्लस वाई और डी दिया है आपका 3y माइनस 10, 3y माइनस 10,
ठीक है। तो कह रहा है एक्स और वाई पे मान ज्ञात कीजिए। अब चक्री चतुर्भुज का एक नियम होता है, जो चक्री चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण, सम्मुख माने आमने सामने वाले कोण, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी सम्मुख कोणों का योगफल, यानी सम्मुख कोण को जोड़ा जाए, संपूरक का मतलब होता है 180 अंश होता है। तो हम वही नियम यहाँ पर फॉलो करेंगे। सवाल नंबर चौथे का पहला, चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, अतः कोण ए धन कोण सी, ये दोनों सम्मुख कोण बराबर 180 अंश, सम्मुख कोणों का योग, ये बात नोट रखना, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग पर 180 अंश। कोण ए का मान है 6x प्लस 10 प्लस कोण y का मान है x प्लस y बराबर हो गया 180 अंश। तो 6x और 1x 7x प्लस y, 10 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, 180 माइनस 10, 7x प्लस y 180 में से 10 घटा 170 है, समीकरण नंबर एक बन गया आपका। इसी प्रकार कोण बी धन कोण डी, ये दोनों सम्मुख कोण है, इनका भी योगफल कितना होगा 180 अंश। बी का मान है 5x प्लस इसका मान है 3y माइनस 10 बराबर 180। तो 5x प्लस 3y, इसमें कोई x या y है नहीं कि जोड़ा जाए, इसको ऐसे लिखिए 110 को इधर पक्षांतर कर दीजिए प्लस 10 190, समीकरण नंबर दो। विरोपण विषय हल करना, तो x का गुणांक चेक कीजिए, इसमें 7 है इसमें 5 है, नहीं बराबर है, इसमें 1 है इसमें 3 है, तो अगर हम इस एक में हम 3 का गुणा कर दें तो 3y हो जाएगा। तो अब केवल इसी में नहीं होगा, पूरे समीकरण में होता, तो 3 का हम गुणा करते, 3 21x प्लस 3 का एक वाई में 3y और 170 3 17 51 510, समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। समीकरण एक में कितने गुणा हुआ है 3, भाई एक था तो इस 3 का हम गुणा कर देंगे इसमें, तो इस 3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, चिन्ह विपरीत कर लीजिए, माइनस 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 घटाने पर, तो ये 3y माइनस 3y प्लस कैंसिल, 21 में से 5 घटा, ध्यान दीजिए माइनस है ये प्लस, 21 में से 5 घटा माइनस 16x, 510 में से 190 घट गया, तो बचा कितना 320 माइनस 320, ये माइनस कैंसिल, x बराबर 320 बटे 16 गुना 32, x का मान आ गया 20। तो पूछा क्या है आपका, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, x बराबर हो गया आपका 20 अंश, x का मान निकल गया 20 अंश, y का मान आप किसी भी समीकरण पहले में या दूसरे में या तीसरे में किसी में भी रख के हम y का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये सवाल हल होगा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर अगले वीडियो में, थैंक यू।